क्या सच में नहीं रही आध्या। बरखा और अंकुश की मिली भगत आएगी सामने। अनुज ने लगाया अनुपमा पर सारा इल्जाम। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल अनुपमा की। अनुपमा में एक बार फिर से आद्या की वजह से अनुपमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनुपमा से उसका सब कुछ छिन जाएगा, उससे उसका अनुज फिर से दूर चला जाएगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है, तो फिर देखिए नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुज की याददाश्त वापस आ जाएगी। अनुज को सारी बातें याद आ जाएंगी, उसे उसकी अनुपमा याद आ जाएगी। दरअसल जब अनुज आशा भवन में होगा, तब उसकी नज़र शाह हाउस पर पड़ेगी। उसे शाह हाउस में गेट के अंदर आद्या नज़र आएगी। वो दौड़कर आद्या के पास जाएगा और उसे गले लगा लेगा। लेकिन बाद में जब उसका भ्रम टूटेगा, तब उसे ये पता चलेगा कि वो आद्या नहीं है, वो पाकी की बेटी ईशानी है। हालांकि तब भी वो ईशानी को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में बा तमाशा खड़ा कर देगी। बा की आवाज़ सुनकर वनराज शाह बाहर आएगा। वनराज पहले अनुज से ईशानी को छीनेगा और फिर अनुज को मारने लगेगा। अनुज की आवाज़ सुनकर अनुपमा दौड़कर आशा भवन से बाहर आ जाएगी। वो वनराज को रोकेगी और अनुज को समझाएगी और कहेगी कि आद्या अभी यहाँ नहीं है। अनुज कहेगा कि वो कैसे हो सकती है, मेरी आद्या तो यहाँ है ही नहीं, वो हमेशा के लिए अपने पिता को छोड़कर चली गई। मेरी आद्या के मरने के बाद सबसे बड़ी वजह तुम हो अनुपमा। अनुज की बातें सुनकर अनुपमा शॉक में आ जाएगी और वो टूट जाएगी। अब देखना ये होगा कि इसके बाद अनुपमा क्या करेगी। अब अनुपमा आशा भवन से उसे निकाल देगी या फिर क्या होगा? क्या अनुज आशा भवन और अनुपमा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा? अनुपमा की कहानी में मज़ेदार ट्विस्ट आएगा। अनुपमा बरखा और अंकुश से मिलने पहुँचेगी। दरअसल अनुज ने अनुपमा को बताया था कि आद्या अब इस दुनिया में नहीं रही है। वही अनुज की बात सुनकर पहले तो अनुपमा के पैर तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसके बाद अनुपमा ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अनुपमा ने अनुज से पूछा कि उसे ये बात किसने बताई है। अनुज ने ये बताया कि उसे ये बात अंकुश से पता चली। अनुपमा हैरान रह जाएगी, क्योंकि कुछ ही समय पहले अनुपमा को अंकुश ने ये बताया था कि आद्या उनके साथ रहती है और अब वो हॉस्टल में है। यही कारण है कि अनुपमा अपने अनुज के लिए सच का पता लगाने के लिए निकल पड़ेगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपनी आद्या के बारे में पता लगाने के लिए अंकुश और बरखा के पास जाएगी। जब अनुपमा बरखा और अंकुश के पास पहुंचेगी, तब वो पार्टी कर रहे होंगे। अनुपमा दोनों का नाम पुकारेगी। बरखा अनुपमा को देखकर हैरान रह जाएगी, तो वही अंकुश नशे में धुत रहेगा। अनुपमा कहेगी जय श्री कृष्णा। अनुपमा को देखकर अंकुश का सारा नशा वहीं खत्म हो जाएगा। अनुपमा उनसे आद्या के बारे में बार बार पूछेगी, लेकिन उसे आद्या के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। इसके बाद प्रोमो में दिखाया जाएगा कि मीनाक्षी और सागर की लव स्टोरी और बढ़ने वाली है, और इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।